ढूंढ रही हैं गोपियां श्री कृष्ण जब अंतर ध्यान हो गए। कुंज निकुंज में बरगद से पूछती हैं, पीपल से पूछती हैं कि देखा कृष्ण को, जवाब नहीं मिला। तब सोचा कि बड़े छोटों की क्या सहायता करेंगे। और फिर आखिर ठहरे वो पुरुष, चाहे बरगद हो चाहे पीपल हो, स्त्री की वेदना को, स्त्री की पीड़ा को स्त्री ही समझ सकती है। इसलिए प्यारी तुलसी, अरे ओ लते, पूछती है कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, जिनके कंठ में तुलसी की माला है और उस पर अनेक भंवरे मंडरा रहे हैं, आप यहां बैठे हो और एक कोई ऐसा कीड़ा, ऐसा जंतु, भंवरा जैसा आपको कोई हानि पहुंचाने के मकसद से नहीं, उस हेतु से नहीं, सहज ही उड़ता हुआ आए और आपके ऊपर मंडरा है, तो आप थोड़े इधर उधर तो होने ही लगेंगे। और यहां क्योंकि गले में तुलसी की माला है और इतने भंवरे मंडरा रहे हैं, लेकिन भगवान ने उन भंवरों के साथ भी उस तुलसी की माला को अपने कंठ में धारण किया है। तुलसी आंगन में या तो वो तुलसी क्यारा होता है वहां पौधे के रूप में है, या भगवान के चरण में समर्पित होती है, या उसकी माला रमण बिहारी जी के कंठ में होती है। चौथा रूप, रमण बिहारी जी को जो भी भोग लगता है, अभी जो भी चीज प्रभु को समर्पित करी जाती है उसमें तुलसी पत्र पधराया जाता है, तभी भगवान स्वीकार करते हैं। और एक पांचवा दर्शन, जो वृंदावन में वन तुलसी, इसलिए तो पूछ रही है गोपियां उस तुलसी से, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। मन में यह भाव उठता है कि भक्ति में भी पांच प्रकार के भाव बताए हैं महापुरुषों ने, वात्सल्य, सख्य, श्रृंगार, दास्य और शांत। ये चरण में समर्पित जो तुलसी है, नमहकार के साथ जो हम तुलसी समर्पित करते हैं भगवान शालिग्राम को, या भगवान रमण बिहारी जी के चरणों में, श्री हरि के चरणों में समर्पित जो तुलसी है, वो दास्य भक्ति का दर्शन कराती है। और कंठ में माला बन करके जो लटक रही है, वहां वो श्रृंगार भाव, वहां वो मधुरा भक्ति का दर्शन। और जो भी भोग सामग्री रमण बिहारी जी के समक्ष रखी जाती है और प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा करने से पहले धेनु मुद्रया अमृती कृत्या आदि करके, लेकिन तन मध्य तुलसी पत्रम प्रक्षिप्य, फिर प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा, ये होता है। तो वो वाली जो तुलसी है वो वात्सल्य भक्ति का दर्शन कराती है, खाओ मेरे, पाओ मेरे प्रभु, पर आंगन में जो तुलसी है क्यारे में लगी हुई, वो शांत भाव है। और वृंदावन में जो तुलसी है, रासलीला में गोपी जिससे पूछ रही है कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, वो सख्य भाव वाली तुलसी। इसलिए गोपियां अपनी उस सखी से पूछ रही, तुलसी श्री सखी शिवे, वो सख्य भाव वाली तुलसी। और उस तुलसी ऐसी भक्ति, उसको पानी मिले, उस तुलसी को पानी मिले। हम चर्चा क्या कर रहे हैं तीन दिन से कि हमारे लिए श्री कार्ष्णी गुरु गोपाल जयंती महोत्सव, वो हमारे तुलसी पौधे को पानी
मिले वो वाला अवसर भी है इन गुरुजनों के आशीर्वाद से, पूज्य महाराज श्री की सन्निधि में, श्री रमण बिहारी जी के सान्निध्य में, हमारे अंदर की वो तुलसी उसको पानी मिले। पूज्य महाराज श्री के प्रेम के रंगों की रंगोली सजी है और इतने महापुरुष सब जो बता रहे हैं तो दिए जल रहे हैं भीतर विवेक के, तुलसी की पूजा हो रही है और ये वाली तुलसी फिर वाक् गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, फिर कभी रोता है कभी हंसता है, विलज्ज कभी उद्गायति नृत्यति क्वचिच्च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति से युक्त तुलसी रूप बना हुआ वह भुवनम पुनाति संपूर्ण विश्व को पवित्र करता है। ठीक है, भुवन अपना भवन, जिस भवन के आंगन में तुलसी लगी हो निश्चित रूप से वो भवन भी पुनीत हो जाता है, मंदिर रूप हो जाता। तुमने देखा जहां भी तुलसी लगी हो थोड़ी भी समझ जिसमें है वो कभी वहां थूकेगा, वहां मलमूत्र का त्याग करने की हिम्मत कोई करेगा? एक पूज्य भाव और उसके चलते एक मर्यादा अपने आप आ जाती। तो मंदिर के सामने तुलसी लगाई जाए ये एक बात है, और तुलसी लगाई जाए तुम्हारे घर के आंगन में भी, तुम्हारे घर के द्वार के सामने, उस वक्त तुम्हारा घर घर नहीं रहता, रमण बिहारी जी का मंदिर बन जाता। वो भुवन को भवन को सबको पवित्र करने वाला, ऐसी तुलसी की पूजा, ऐसी तुलसी को पानी, सब प्रकार से यहां पानी मिल रहा है और हमारी तुलसी पुष्ट हो रही है, संतुष्ट हो रही है, प्रसन्न हो रही है, वो प्रसन्नता की मंजरी प्रभु को समर्पित हो रही है। 3 दिन तुलसी पूजन किया, सूख रही थी तुलसी। मैं गत वर्ष पूज्य महाराज के साथ हमने काशी में पंचकोशी परिक्रमा करी, आनंद लिया, 7 दिन 11-12 किलोमीटर रोज का चलते थे, सत्संग हो जाता था। लेकिन फिर वहाँ से शिवरात्रि के बाद, जैसा कि मेरा क्रम है, शिवरात्रि काशी में और फिर तुरंत यहाँ रमण बिहारी जी के चरणों में समर्पित होता हूँ। लेकिन कुछ कारणों से गत वर्ष मैं काशी से यहाँ आना था जो नहीं आ पाया, लेकिन इसलिए अब की बार पूरे 3 दिन, हालांकि सच बताऊं तो रहना था, होली करके जाना था, वैसे तो मन तो ये बनाया था, लेकिन कुछ कारणों से आज पूज्य महाराज श्री से आज्ञा लेकर के प्रस्थान करना पड़ रहा है। अतः 3 दिन की इस तुलसी पूजा और ये वाली तुलसी को भी पुष्टि तुष्टि मिली, उसका आनंद मनाते हुए, उसका संतोष लेते हुए, श्री रमण बिहारी जी को प्रणाम करते हुए, हमारे सभी पूजनीय संत चरण को प्रणाम करते हुए, वैसे संबोधन में सभी महापुरुषों का नाम पहले दिन पर तो मैंने लिया था, लेकिन रोज इसलिए नहीं कि नमोस्तवनंताय की भावना से सबको प्रणाम, इसलिए नहीं तो एक एक ऐसे वंदनीय है, जैसे भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं और उसका हम पारायण करते हैं, जब हम संबोधन करते हैं तो उसी भाव से यहाँ पारायण होता है, क्योंकि ये सब नाम परमात्मा के ही हैं। ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष यहाँ पर उपस्थित है, मैं नमोस्तवनंताय सहस्र मूर्तये कहते हुए सहस्र नाम ने पुरुषाय शाश्वते, उन भगवान को प्रणाम करते हुए, पूज्य महर्षि को प्रणाम करते हुए आपसे आज्ञा चाहता हूँ। श्री रमण बिहारी लाल की, श्री गोपाल जयंती महोत्सव की, सद्गुरु भगवान की, नमः पार्वती पतये।
श्री।